हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूनिंग लैब। तो कैसे आप सब लोग? भारी अपन भी लैब भारी। तो हर एक लॉन्ग राइड यार, ये चटाई वाले मिटे वाले ना, मैं जब ब्लॉक करो तभी आते हैं चटाई ले लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूनिंग लैब। तो कैसे आप सब लोग? भारी अपन भी लैब भारी। तो हर एक बड़ा राइड होने के बाद में मैं लेकर आता हूँ बजट वीडियो, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये राइड पे जाने के लिए हमको कितना पैसा लगेगा पेट्रोल के लिए, खाने के लिए। तो आज लेकर आया हूँ मैं केदारनाथ राइड का बजट वीडियो। तो सबसे पहला है ना, ये वीडियो में बात करेंगे ट्रैकिंग के बारे में कि 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो कहाँ से शुरुआत होती है, कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिलेगा। और होटल के बारे में, फूड के बारे में और पेट्रोल के बारे में ये जानकारी आपको ये वीडियो में मिलने वाला है। तो चलो भाई, वो वीडियो करते हैं शुरुआत। और सबसे पहला जान लेते हैं कि अगर केदारनाथ टेम्पल के लिए हमको ट्रैकिंग करना है तो कहाँ से शुरुआत होती है। आप सोनप्रयाग में आ गए तो सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाने के लिए मिलेगा टैक्सी। तो टैक्सी का आपका 1% का पकड़ लो 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ होगा। गौरीकुंड से आपका केदारनाथ टेम्पल के लिए 16 किलोमीटर का ट्रैक होगा। तो गौरीकुंड से आपको नीचे से ही आपको खच्चर भी मिल जाएगा। खच्चर का जो प्राइस होता है वो 2300 रुपया गवर्नमेंट रेट उन लोग ऐसा बताते हैं, पर आप जैसा निगोशिएबल कर सकते हो वो आपके ऊपर है। ये अगर आप थोड़ा भी ट्रैकिंग नहीं कर सकते हो तो आप स्टार्ट से भी कर सकते हो, पर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भीमबली तक है ना आप ट्रैक करना। थोड़ा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़रूरी है और मज़ा आएगा आपको। स्टार्ट का जो 6 किलोमीटर है ना भीमबली तक, वहाँ तक हमने भी ट्रैकिंग किया था, उसके बाद में हमने खच्चर लिया था। इसमें एक फ़ायदा आपका बहुत अच्छा है कि भीमबली तक अगर आप ट्रैकिंग करते हो ना, वहाँ से आपको खच्चर का जो प्राइस है ना वो भी कम मिलेगा। जैसा कि नीचे आपको 2300 बता रहा था, तो ऊपर आपको 1500 में, 1800 में या 1600 में, जैसा आप निगोशिएबल कर पाओगे वो रेट में आपको मिल जाएगा खच्चर। तो वो एक बेस्ट है। इसमें क्या होता है ना, हमको ट्रैकिंग भी करने मिल गया, हमारा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी हो गया, फिर खच्चर का भी एक्सपीरियंस हो गया। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, जैसा कि खच्चर पर ना ऊपर जाते जाते हालत बहुत बेकार होती है। हमारी तो ऊपर जाने के टाइम पे ज़्यादा नहीं हुआ था, पर नीचे जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे ना, वो टाइम पे खच्चर पे हमारी हालत बहुत ही बेकार हो गई थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बजट है तो आप हेलीकॉप्टर भी लेकर जा सकते हो। उसका जो प्राइस है, हेलीकॉप्टर आपको 15 मिनट में पहुँचा देता है केदारनाथ टेम्पल के 1 किलोमीटर पीछे। तो उसका कुछ 3500 या 4000 कुछ प्राइस है। वो आप एक बार यूट्यूब पे कोई वीडियो पे सर्च करके देख सकते हो। तो वो भी एक बेस्ट रह सकता है अगर खच्चर पे आपको आपकी हालत बेकार नहीं करनी है तो बॉडी की। तो सेकंड हम बात करेंगे, पालकी भी होता है, पर वो पालकी का रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि 8000 10000, तो अगर उतना भी बजट है आपका तो ठीक है। पर मैं तो आपको कहूँगा कि अगर पालकी से ही आपको जाना है तो उससे अच्छा आप हेलीकॉप्टर से जाओगे, वही सही रहेगा। तो जो भी भाई है जिनको पूरा ट्रैकिंग करना है, पूरा ट्रैकिंग आप करोगे तो उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा हालत ख़राब हो जाता है, पर ठीक है यार। ऊपर जैसे हम टेम्पल के पास में आ जाते हैं ना, तो एक अलग ही एनर्जी आ जाता है, जो भी थकान है वो दूर हो जाती है। तो वैसा भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया ट्रैकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। और अभी हम बात करेंगे होटल के बारे में कि मेरा ये जो राइड पे होटल का खर्चा कितना हुआ। मेरा जो होटल का खर्चा वो हुआ है 4400 रुपीज़। बहुत ही कम हुआ है ना, इतना कम होता नहीं था, इतना कम हुआ है क्योंकि अजमेर में मैं आने के टाइम पे और जाने के टाइम पे दोनों टाइम रुका था रोहन भाई के घर पे। तो तब का हमारा जो होटल का खर्चा था वो हमारा बच गया। और अजमेर टू मुंबई जो है ना वो हमने नॉनस्टॉप राइड किया था अभी और मैंने। तो वो टाइम पे जो अहमदाबाद में रुकने का होटल का खर्चा था वो हमारा बच गया, ताकि हम निकल गए नॉनस्टॉप मुंबई की ओर। इसलिए होटल का जो खर्चा है वो थोड़ा कम हो गया 4400 रुपीज़। अभी हम बात करते हैं कि मेरा जो फूड का खर्चा है वो कितना हुआ है। फूड का जो खर्चा हुआ है ना मेरा, वो हुआ है 7000 रुपीज़, क्योंकि हम लोगों ने फूड जो है ना बहुत ही दबा के खाया है, कोई सोचा नहीं हमने खाने के बारे में, जो कि आपने केदारनाथ सीरीज़ में देखा ही होगा। अगर केदारनाथ सीरीज़ आपने नहीं देखा है और आपने सीधा आप ये वीडियो से हमारे टूरिंग लाइफ फैमिली से जुड़े हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार केदारनाथ राइड जो है वो भी ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने में। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो 7000 रुपीज़ मेरा हो गया है फूड का खर्चा। और खच्चर जो मैंने लिया था भीमबली से लेके ऊपर केदारनाथ तक, उसका हुआ है 1500 रुपया। और रिटर्न आने के टाइम पे भी हमने केदारनाथ टेम्पल से नीचे गौरीकुंड तक लिया था खच्चर। तो
वो भी खर्चा 1500 रुपया हुआ, तो 1500 हो गया 3000। तो खाने का 7000, खच्चर का 3000, 10000 हो गया 4400 हो गया हमारा होटल का खर्चा, वो मिला के टोटल होता है 14,400 रुपीज। तो अभी हम जानते हैं लास्ट पेट्रोल के बारे में, जो तो सबको ही जानना होता है कि पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ है। तो पेट्रोल का खर्चा जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि मेरा मुंबई से केदारनाथ, केदारनाथ से रिटर्न मुंबई का किलोमीटर कितना हुआ है। तो केदारनाथ राइड का पूरा किलोमीटर जो है वो हुआ है 3964 किलोमीटर, 4000 को कुछ किलोमीटर बस कम है। तो ये किलोमीटर को मुझे पेट्रोल लगा है 12,600। तो 12,600 और पहले के जो थे 14,400, ये मिला के हो जाते हैं 27,000 रुपये। तो भाइयों ये हो गया मेरा टोटल बजट केदारनाथ राइड का। तो आने वाले साल में 2022 में जब भी केदारनाथ यात्रा स्टार्ट हो जाता है तब आप लोग भी प्लान कर सकते हो स्कूटर से या बाइक से, तो ज़रूर प्लान करिए। और जो भी डेट है ना केदारनाथ यात्रा जब भी स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर में, वो तो आपको यूट्यूब पे भी पता चल जाएगा कोई वीडियो से, या फिर आपको न्यूज़ में भी पता चल ही जाएगा। तो इंतज़ार करते हैं 2022 की केदारनाथ यात्रा ओपन होने का। और एक बात भाइयों ज़रूर कहूँगा, केदारनाथ राइड कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे ये वीडियो के कमेंट में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और फिर भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना वीडियो अगर अच्छे लग रहे तो। और मैं कुछ ही दिन में, जैसे कि ज़्यादा दिन नहीं, एक दो दिन में निकलने वाला हूँ एक नेक्स्ट राइड पे मेरे। तो अगर आपको अपडेट पहला जानना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ये जो सामने आ रहा है मेरा इंस्टा आईडी है टूरिंग लाइफ, तो ज़रूर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो रहेगा राइड के, मिलते हैं ऐसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।